हेलो दोस्तों, मेरा नाम है MS बाजवा और मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ टाटा नेक्सॉन और ये है इसका XM मॉडल। तो ये सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी मॉडल है, तो सबसे ज़्यादा सेल भी इसी मॉडल की होती है। तो आप देख सकते हो इसकी सामने से फ्रंट लुक, तो फ्रंट लुक इसकी बहुत ही बढ़िया है। इसकी विड्थ की बात करें तो विड्थ इसकी आपको मिलती है 1811 mm की, जो कि सेल्टोस और क्रेटा से भी ज़्यादा है। तो आप यहां से हिसाब लगा सकते हो इसकी रोड प्रेजेंस आपको कितनी बढ़िया मिलती है। तो ये आपको मिलती है 5-star एनकैपरेटिंग के साथ। तो आइए अभी करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। सो अभी करते हैं शुरुआत इसकी लाइट से। तो लाइट्स आपको इसके अंदर मिलती हैं प्रोजेक्टर लाइट्स, और इसके अंदर भी आपको हेलोजन लाइट ही मिलती है। उसके बाद नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको इंडिकेटर की प्लेसमेंट मिलती है। इसके अंदर आपको फोग लैंप नहीं मिलते। तो आप फ्रंट देख सकते हो, इसकी ग्रिल आपको मिलती है इसके अंदर ग्लोसी ब्लैक के अंदर, जो कि बहुत ही बढ़िया लगेगी देखने में। और नीचे आपको ट्राई एरो पैटर्न के अंदर ग्रिल मिलती है इसकी। तो आप फ्रंट देख सकते हो, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया इसका फ्रंट आपको दिखेगा और काफ़ी ऊँची है ये गाड़ी। तो साइड इंडिकेटर आपको ORVMs के ऊपर मिलते हैं, और ORVMs आपको ब्लैक कलर के अंदर, मैट ब्लैक के अंदर मिलते हैं। और नीचे टायर की बात करें तो टायर आपको इसके अंदर जो मिलता है वो है 195/60 R16। तो इसके अंदर आपको व्हील कवर मिल जाता है। तो आप साइड से इसको देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया इसकी लुक साइड से आपको लगेगी देखने में। तो आपको बी पिलर, ए पिलर आपको ब्लैक आउट मिलता है। और इसका व्हील बेस की बात करें तो व्हील बेस आपको 2498 mm का मिलता है। तो आप देख सकते हो बी पिलर आपको मिलता है इसके अंदर ब्लैक आउट, और ऊपर आपको सिल्वर कलर के अंदर मिल जाती हैं रूफ रेल्स। तो अभी बात करते हैं इसके ग्राउंड क्लियरेंस की। तो इसके अंदर आपको 209 mm की बहुत ही बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। तो अभी आप पीछे देख सकते हो, यहाँ तक आपको पूरा ब्लैक आउट यहाँ पर मिलती है विंडो लाइन। तो अभी बात करते हैं इसके पेट्रोल टैंक की। तो पेट्रोल टैंक आपको इसके अंदर मिलता है 44 लीटर्स का। तो उसके बाद अभी देखते हैं इसकी बैक साइड से लुक। तो बैक साइड पे आपको मिलती है LED लाइट। तो बीच में दो लाइनें आपको LED में मिलती हैं और बाकी आपको हैलोजन का सेटअप मिलता है पूरा। तो आप नीचे देख सकते हैं, नीचे आपको रिफ्लेक्टर यूनिट मिल जाती है। उसके बाद आप ऊपर देखोगे तो आपको मिलता है इसके अंदर हाई माउंट स्टॉप लैम्प, तो ये भी आपको LED के अंदर मिलता है। उसके बाद नीचे देखते हैं तो आपको यहाँ पे टाटा का बड़ा सा लोगो मिल जाता है और नेक्सॉन की बैजिंग मिल जाती है यहाँ पे स्पेस देके। उसके बाद आपको यहाँ पे दो पार्किंग सेंसर यहाँ पे नीचे मिल जाते हैं, और आप देख सकते हो ट्राई एरो का यहाँ पे पैटर्न भी आपको मिलेगा। और आप देख सकते हो पीछे से लुक इसकी, तो बहुत ही बढ़िया आपको बैक की लुक मिलती है। बाकी कई लोगों को ये इसकी बैक नहीं पसंद, बाकी बहुत लोगों को इसकी बैक जो है वो पसंद आती है। तो आप साइड से देख सकते हो इसकी लुक बहुत ही बढ़िया आपको इसकी दिखेगी। तो अभी हमने इसका 360 व्यू कंप्लीट कर दिया है। तो भाई इसकी रोड प्रेजेंस आपको बहुत ही बढ़िया मिलती है। तो अभी बात करते हैं इसके इंटीरियर की। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं इसकी की। तो इसके अंदर आपको एक रिमोट की मिलती है और एक सिंपल में आपको मिलती है। तो अभी देखते हैं इसका डोर। तो डोर आपको बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के अंदर मिलेगा, मटेरियल में कोई भी आपको शिकायत नहीं आएगी। ऊपर आपको ग्रे कलर में हैंडल मिलता है और बीच में आपको सिल्वर पट्टी मिल जाती है, और ऑल फोर पावर विंडो आपको इसके अंदर मिल जाएंगी, और ORVMs के कंट्रोल आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो आप देख सकते हो लुक बहुत ही बढ़िया है। और नीचे आपको स्पीकर ग्रिल मिल जाती है, और यहाँ पे आपको अम्ब्रेला होल्डर और बोतल होल्डर मिल जाता है। तो ये था इसका डोर। तो अभी इसकी देखते हैं सीट्स को। तो सीट्स के अंदर देख सकते हैं आप कुशनिंग बहुत ही बढ़िया है, और इसके अंदर आपको कोई भी हाइट एडजस्टमेंट नहीं मिलती। तो कुशनिंग में आपको कोई भी शिकायत नहीं आएगी। यहाँ पे आपको हेड रेस्ट जो है इसके एडजस्टेबल मिल जाते हैं, और काफ़ी कुशनी आपको सीट मिल जाती है। और अंडर थाई सपोर्ट भी इसकी बहुत बढ़िया है। आप देख सकते हो इसकी चौड़ाई आपको बहुत बढ़िया इसके अंदर मिलती है। यहाँ पे आपको अच्छी कुशनिंग मिलेगी अंडर थाई सपोर्ट के अंदर। तो अभी देखते हैं इसके स्टीयरिंग व्हील को। तो स्टीयरिंग व्हील बहुत ही अच्छी क्वालिटी में आपको मिलेगा। साइड पैनल आपको ग्लोसी में मिलते हैं, बीच में आपको टाटा का लोगो मिलता है। इसके ऊपर आपको कोई भी म्यूज़िक के कंट्रोल या
मूड्स के कंट्रोल नहीं मिलते। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फुली डिजिटल आपको इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। तो एक साइड पे आपको टैकोमीटर और एक साइड पे आपको स्पीडोमीटर मिल जाएगा। तो मूड्स वगैरह चेंज आप यहाँ से यहाँ टोंगल से कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो ये है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो इसके अंदर आपको काफ़ी फीचर्स वगैरह मिल जाएंगे जो आप यहाँ से इसके स्टिक से आप मूड चेंज कर सकते हो। तो अभी देखते हैं इसके म्यूज़िक सिस्टम को। तो म्यूज़िक सिस्टम की एलईडी आपको यहाँ पे छोटी सी एलईडी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो उसके बाद बीच में आप देख सकते हो आपको एसी वेंट्स मिलते हैं और बीच में हजार्ड का बटन मिल जाएगा और नीचे आपको मिल जाएगी एसी यूनिट। तो ये आपको यहाँ पे मैनुअल एसी मिल जाएगा जिसकी क्वालिटी आपको बहुत ही बढ़िया मिलती है। तो आप देख सकते हो ये है इसकी एसी की यूनिट और नीचे आपको यहाँ पर ऑक्स का बटन और यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का पावर सॉकेट और USB पोर्ट मिल जाएगी। 6 गियर स्पीड आपको गियर बॉक्स मिल जाता है इसके अंदर और ये आपको यहाँ पे ड्राइव मोड्स मिल जाते हैं इको सिटी और स्पोर्ट्स का। यहाँ पे आपको कप होल्डर वगैरह मिल जाते हैं स्टोरेज के लिए और यहाँ पे आपको हैंड ब्रेक मिलती है साइड पे। तो आप देख सकते हो क्वालिटी वाइज आपको बहुत ही अच्छा मटेरियल मिलता है। यहाँ पे बीच में आपको ग्लोसी पैनल मिलता है और यहाँ पे ये आप देख सकते हो ये इसका ग्लो बॉक्स। तो इसके अंदर भी आपको कप होल्डर मिल जाएंगे और आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा इसका ग्लव बॉक्स है। तो अभी इसको करते हैं बंद और आप पैनल देख सकते हो इसके सेंटर में आपको ग्लोसी पैनल मिल जाता है सिल्वर के अंदर और ऊपर और नीचे आपको मिलता है ग्रे फिनिशिंग के अंदर पैनल। तो क्वालिटी वाइज बहुत ही अच्छा मटेरियल टाटा ने इसके अंदर यूज़ कर रखा है। ऊपर आप सनवाइज़र पर देख सकते हो आपको यहाँ पर टिकट होल्डर मिल जाता है और उसके बाद सेंटर में आपको मिल जाती है लाइट और यहाँ पे स्टोरेज के लिए कुछ मिल जाता है ऊपर एरिया। तो यहाँ पे आप लाइट देख सकते हो आपको वाइट कलर की लाइट इसके अंदर मिल जाती है जो कि देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है। और दूसरे सनवाइज़र पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है जो कि बहुत ही बढ़िया है XM मॉडल के हिसाब से। यहाँ पर आपको मिल जाता है सिंपल IRVM। तो इसके अंदर आपको मैनुअल कंट्रोल भी नहीं मिलता नाइट और डे के लिए। तो आप देख सकते हो ये है इसका पूरा डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड की लुक बहुत ही प्रीमियम फील होगी आपको। यहाँ पे आपको ग्लोसी पैनल की लुक बहुत ही अच्छी लगेगी देखने में। तो आप देख सकते हो ये है इसका पूरा डैशबोर्ड और नीचे आपको ABC पैडल यहाँ पे मिल जाते हैं और साइड पे आपको फुटरेस्ट भी यहाँ पे मिल जाता है और स्पेस में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और बैक पैनल आप देख सकते हो अभी तो बैक पैनल पे भी सेम डिज़ाइन ही आपको मिलेगा और यहाँ पे आपको पावर विंडो का कंट्रोल मिल जाता है और यहाँ पे हैंडल और नीचे वैसे ही आपको स्पीकर ग्रिल मिल जाती है और इसके अंदर आपको स्पीकर भी मिलेगा और पीछे बोतल होल्डर मिल जाता है। तो ये था इसका डोर। तो अभी देखते हैं बैक सीट को। तो बैक सीट की जो अंडर थाई सपोर्ट आपको मिलती है बहुत ही शानदार मिलती है। आप चौड़ाई को इसकी देख सकते हो बहुत ही अच्छी कुशनी आपको सीट मिलेगी और इसके जो हेडरेस्ट हैं वो आपको फिक्स्ड मिलते हैं। तो आप देख सकते हो इसकी अभी देखते हैं आपको दिखाते हैं आपको इसकी स्पेस। तो अगली सीट मेरे हिसाब से सेट है और मेरी हाइट है 5 फुट 10 इंच और उसके बाद आपको इतना यहाँ पे लेग रूम नी रूम मिल जाता है। तो बहुत ही अच्छा आपको इसके अंदर स्पेस मिलेगा और बीच में यहाँ पे आपको स्टोरेज स्पेस मिल जाती है कुछ। उसके बाद आप देख सकते हो ऊपर आपको ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं। तो आप यहां से डैशबोर्ड की लुक देख सकते हो बहुत ही अच्छा प्रीमियम है यहां पे आपको डैशबोर्ड इसका मिलेगा और पीछे से लुक इसकी बहुत ही बढ़िया आपको दिखेगी। तो अभी बात करते हैं इसकी बूट की। तो बूट आपको इसके अंदर मिल जाता है 350 लीटर का और इसके अंदर आपको बहुत ही बढ़िया आपको स्पेस मिल जाती है और यहाँ पे आपको टायर मोबिलिटी किट मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पे 2 हुक आपको मिल जाती हैं और यहाँ पे आपको लैंप भी मिल जाता है XM मॉडल के अंदर और आपको यहाँ पे पार्सल ट्रे जो है वो इसके अंदर नहीं मिलती। आप बाद में इसको लगवा सकते हो कंपनी से। तो ये था इसका बूट। तो अभी इसके बूट के बाद अभी दिखाते हैं आपको इसका इंजन। तो इंजन की बात करते हैं अभी। तो इंजन का आपको मिलता है इसके अंदर 1.2 टर्बो चार्ज रेवट्रॉन इंजन। तो आप देख सकते हो ये है इसका इंजन। तो बहुत ही पावरफुल इंजन आपको इसके अंदर मिलेगा
और इसकी पावर की बात करें तो इसके अंदर आपको मिलता है ये 1199 सीसी का इंजन और 118 bhp ये प्रोड्यूस करता है। उसके बाद इसकी टॉर्क की बात करते हैं तो टॉर्क आपको इसके अंदर मिलती है 170 nm की। तो ये 3 सिलेंडर इंजन है, 6-speed गेयरबॉक्स के साथ ये आता है। तो पावर फिगर्स आपको बहुत ही बढ़िया आपको मिलती हैं इसके अंदर। तो अभी बात करते हैं इसके प्राइस की। तो अभी हम हैं टाटा मोटर्स डेराबसी में, तो यहाँ पे इसका एक्स शोरूम आपको पड़ता है 8,60,000 रुपये। और ऑन रोड प्राइस की बात करें तो यहाँ पे इसका ऑन रोड प्राइस आपको पड़ेगा 9,80,800 रुपये। तो अगर आपका बजट 8 से 10 लाख रुपए का है तो ये गाड़ी आपके लिए बहुत ही बढ़िया हो सकती है। तो आप देख सकते हो गाड़ी की रोड प्रेजेंस आपको बहुत ही तगड़ी मिलती है, ऑफ रोडिंग भी आप इसके साथ कर सकते हो। इसका फ्रंट डिज़ाइन आपको, बैक डिज़ाइन और साइड प्रोपोर्शन आपको इसका बहुत ही बढ़िया लगेगा देखने में। सो वीडियो का एंड अभी यहीं पे करते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव के साथ इसको शेयर कर देना। सो मिलते हैं आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में।